हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना जी, आज हमारे शो पे एक बड़ी धमाकेदार फिल्म आ रही है। अच्छा, धमाकेदार? हाँ, क्योंकि फिल्म का नाम ही धमाका है। अच्छा। तो बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले बुलाते हैं इस फिल्म से हमारे पहले मेहमान को। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा आप सबके चहेते वेरी टैलेंटेड मिस्टर कार्तिक आर्यन। कार्तिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू और बहुत बहुत मुबारक आपको, धमाका को इतना प्यार मिल रहा है। थैंक यू कपिता। थैंक यू कार्तिक, एक बात बताइए मुझे जी। हाँ। जैसे मैंने एक बार फिल्म करी थी ना, तीन बीवियों वाली। हाँ। उसके बाद कार्तिक ने करी पति पत्नी और वो। हाँ। फिर मैंने एक शो किया। हाँ। उसके बाद कार्तिक ने फिल्म कर डाली। तो आपने सोच रखा है कि सिर्फ टॉप सेलिब्रिटीज को ही फॉलो करेंगे? पाजी, मैं उतना ही फॉलो करता हूँ जितना मुझे फॉलो करना होता है। हाँ। मतलब आपकी शादी भी तो हो गई। इस बात में तो मैं तुम्हें फॉलो करना चाहता था लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता। कार्तिक बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है, अच्छी अच्छी फिल्में कर रहा है। एक जो कार्तिक ने काम किया मुझे दिल से बड़ी खुशी हुई। कौन सा? मैंने एक बार एक एड फिल्म करी थी। हाँ। जो अगले साल अक्षय पाजी ने छीन ली। अच्छा। हाँ। अब वो अक्षय पाजी का तो आपको पता है, उन्होंने काम छीनने में 3-year degree कोर्स किया हुआ है। अब ये सुनने के बाद जब अगली बार अक्षय आएगा ना, देखना क्या सच्ची होएगा। आप आइडिया दे रहे हो क्रिएटिव टीम को कि ये सब चीजें चलाएं, मिलजुल के हम शो चला रहे हैं काफी नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि वो दूसरों का काम छीनने में माहिर है। हाँ, ये पहला बंदा जिन्होंने अक्षय कुमार की फिल्म छीन ली। भूल भुलैया 1 उन्होंने करी, भूल भुलैया 2 ये कर रहे हैं। तो अक्षय कुमार भूल गए थे कि आपने जाके प्रोड्यूसर को बोला कि 150 कम दे दो, मैं अच्छा काम कर लूंगा। पाजी, मैं ऑलरेडी उन बंदों को ढूंढ रहा हूँ जो मेरे प्रोड्यूसर्स को बोल रहे हैं कि 150 कम ले लो लेकिन कार्तिक की फिल्म हमें। मैंने एक चीज बड़े गौर से नोटिस की है कि जब बंदा रिलेशनशिप में नहीं होता, अच्छा, वो तब तक बड़ा रोमांटिक रहता है। तो जैसे ही वो रिलेशन में आ जाता है, फिर आपको पता है लाइफ में थ्रिल आने लगता है। थ्रिल? हाँ। जैसे कार्तिक ने अब तक कितनी सारी रोमांटिक फिल्में की। हाँ। अब सडनली धमाका थ्रिलर लेके आ रहे हैं। अच्छा, अच्छा। हम क्या समझे, आपका रिलेशनशिप कंफर्म हो गया है या आप छुपाना सीख गए हैं? वो कौन सा गाना है, वो छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता। इस बंदे से आप भुलवा नहीं सकते कुछ भी। कुछ नहीं। चलिए अब वक्त है इस फिल्म के दूसरे अहम किरदारों को मंच पर बुलाने का। प्लीज वेलकम मृणाल ठाकुर एंड अमृता सुभाष। वेलकम अमृता, कैसे हो आप? बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। अमृता जी आइए। हाय, वेलकम बैक मृणाल। थैंक यू मैम, हाउ आर यू? आई विल सिट दैट साइड देन। ओके, सिट। ये लोग बैचलर्स हैं, ये लोग सोचेंगे हम तो शादीशुदा हैं, हम तो पहले ही बैठ चुके हैं जी। तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने तो पता ही है मृणाल जो है इसमें जर्नलिस्ट का रोल कर रही है। और इन्होंने पढ़ाई भी जर्नलिज्म की करी है। तो इस फिल्म के लिए आपने ऑडिशन दिया था कि सीधी डिग्री दिखाई थी? एक्चुअली उसमें एक्चुअली करेक्शन ये है कि कॉलेज में मैं सिर्फ सेकंड ईयर तक गई, तीसरे साल मुझे टाटा बाय बाय कह दिया। मैंने तो एडमिशन फॉर्म लेके आज तक लोगों को बोलता हूं कि आई हैव डन पीजी डिप्लोमा इन कमर्शियल आर्ट्स। बात तो फिर भी सेकंड ईयर तक गई है। सही बात। फुल मार्क्स इसके लिए।
अच्छा अमृता जी, हमारी मुलाकात पहली बार हो रही है। मैंने आपको बहुत सारी वेब सीरीज में, फिल्मों में देखा है। बॉम्बे बेगम में मैंने आपका किरदार देखा, कैसा डराया आपने सबको अपनी एक्टिंग से। अच्छा, मुझे लगा नहीं, नहीं, तो ऐसा डरावना। मैं बड़ा फैन हूँ आपका। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। मेरी माँ जी गली बॉय में मेरी सास बनी थी जी। अच्छा, मतलब मेरी जो एक्चुअल मदर है वो गली बॉय में मेरी सास बनी थी। तो जब माँ एक्ट्रेस है तो वो बहुत मुझे क्रिटिसाइज करती है, घर में ही क्रिटिक है ना जी, तो उनको कुछ पसंद नहीं आता। लेकिन पहली बार मैंने उन्हें बहुत एक्साइटेड देखा अर्चना जी। अच्छा, कि मैंने कहा माँ मैं कपिल शर्मा क्या यार तो मैंने कहा यार ऐसे एक्सप्रेशंस आते हैं आपके मुंह पे। अच्छा चलो, तो मुझे आपकी आपके शो की वजह से मुझे पता चला। थैंक यू सो मच। एंड यू डिड इट अमेजिंगली वेल। सुपर टू गुड, थैंक यू। पर आप इतना अच्छा अच्छा काम कर रही हैं, उसके बाद वाकई में जब लोग अप्रिशिएट करते हैं, जैसे आज आपको नेशनल शो में आने का मौका मिला तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। कार्तिक अपनी हर फिल्म में अपनी हीरोइन के साथ रोमांस करते हुए नजर आते हैं, रोमांटिक फिल्में होती हैं, लेकिन इस फिल्म में, पूरी फिल्म में मृणाल जो है ये ब्रिज पे खड़ी हुई है और कार्तिक जो है स्टूडियो में बैठा हुआ है। और हमने ऐसा सुना है कि ये फिल्म 10 दिन में कंप्लीट हो गई। यही रीजन था कि आप दोनों अलग अलग थे। पर ये बात सच्ची है कार्तिक, ये फिल्म 10 दिन में कंप्लीट हुई? जी जी। कैसे यार, ये नहीं बिलीव होता हमें। ये आई थिंक ये इसका पूरा श्रेय राम माधवानी सर को देना चाहिए हमें, क्योंकि जिस तरीके का वो शूट करते हैं मैम, वो बहुत ही यूनिक स्टाइल है। ऐसा फिल्म मेकिंग मैंने जितनी भी फिल्में की है, हमने जितना भी आमतौर पर काम किया है, इस तरीके का फिल्म मेकिंग कहीं पे नहीं होता है। 10 कैमरा होते थे एट वंस और एक सेट पे, और एक रूम में पूरी फिल्म है, एक ब्रिज का एक राइट। सो एक ही सेटअप, एक ही जगह पे ये 2 सेट ऐसे लगे थे, बट हर चीज उस सेट में वर्क करती है। वहाँ पे अगर कॉफी मशीन है तो कॉफी वहाँ से सही में निकलती है, पहले अच्छा। दिन मैंने चेक की थी। फिर उसके बाद अगर फोन कॉल भी अगर वहाँ पे चल रहा है तो फोन कॉल टेलीफोन चलेगा। अगर मृणाल ब्रिज पे शूट कर रही है तो उनका जो साइमल्टेनियसली शूट चल रहा है वो, और मैं यहाँ पे जब बैठा हूँ, यहाँ से मैं देख रहा हूँ ऑलरेडी लाइव फीड, और मैं यहाँ से हम दोनों एक्ट कर रहे हैं, और अमृता जी वहाँ PCR रूम में, इनका अलग रिकॉर्डिंग चल रहा है साथ साथ। तो ये 3 कैरेक्टर प्लस दूसरा फोन कॉल पे एक और कैरेक्टर है, वो चौथा, तो ये साइमल्टेनियसली शूटिंग न्यूज़ चैनल वाले करते भी हैं। ये रियल लाइफ शूटिंग थी। अमेजिंग यार, तो ऐसा रियल एम्बियंस आपको मिले तो और मजा आता है एक्टर को भी। एक्टिंग भी अच्छी दिखती है। हाँ। पर वाकई यार ये मैंने नई चीज सुनी है, 10 दिन में एक फिल्म कंप्लीट, देखो वाओ। अब ये मुझे लगता है हमारी इंडस्ट्री में आने वाला है ये ट्रेंड। इसको वो 360 सिस्टम बोलते हैं। 360 सिस्टम मतलब आप हर कोने से आप रिकॉर्ड हो रहे हैं, विच इज वंडरफुल। दूसरे प्रोड्यूसर्स मेरा यकीन नहीं करते थे कि मैं ये 10 दिन में खत्म कर, 2 हफ्ते में खत्म कर लूंगा एक पिक्चर, फिर आ जाऊंगा आपके सेट पे। यकीन ही नहीं होता था कैसे होगा। तो मुझे भी पहले यकीन करने में टाइम लगा। पर अच्छी बात है अगर कैमरा नॉर्मली, अब देखो, अब मैं आपको ऑडियंस को जो टीवी पे इस समय देख रही है उनको बताता हूँ कि जब ऐसे माहौल में जैसे कार्तिक ने बताया, उसका फायदा क्या होता है, आपको कैमरा डिस्टर्ब नहीं कर रहा है लेकिन आप शूट हो रहे हो। अदरवाइज नॉर्मली क्या होता है, आप मान लो कुछ रोमांटिक बात करो आप और कैमरा मैन यहाँ खड़े होते हैं, आप रोमांटिक बात करो, कैमरा रोमांटिक बात करो, मैं तुम्हारे लिए ऑरेंज लेकर आऊं, रोना थोड़ा चिन डाउन, मैं तुम्हारे लिए ऑरेंज लेकर आऊं, मैं तुम्हारे लिए ऑरेंज लेकर आऊं, मैं तुम्हारे लिए पाइनएप्पल लेकर आऊं। ये डर होता है आदमी के मुंह के आगे क्या। मुझे भी पहले पता नहीं था ना, मैंने टीवी पे बहुत काम किया, जब पहली फिल्म करने लगा तो एक रोमांटिक सीन, वो भी मैं वैसे बातों बातों में कर लूं, मेरे से ज्यादा नहीं होता, मैं अपनी बीवी के साथ ही करता हूं रोमांस जो भी। तो मैं आज तो ब्राउनी पॉइंट्स मिल गए। तो मैं ऐसे, कोई अब्बास भाई बोलते हैं इसको पकड़ो ना ऐसे करके हीरे, तो नीचे एक बंदा ना थर्मोकोल लेके मेरे मुंह क्या कहता है। मैं सीरियसली मैं हीरोइन को देख रहा हूँ और बंदे को देख रहा हूँ बेचारा, मतलब बड़ा मेहनत का काम होता है। एटलीस्ट वो देख रहे कोई, यू नो, कभी कभी यू आर इन एन इंटेंस सीन और कोई आ रहा है कुछ चल रहा है उसके अंदर, लाइक गाइस लाइक कम ऑन, लाइक तो अपने उस पे बात करते हैं। रोमांटिक सीन्स करना कितना डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। हां बहुत कन्विक्शन, बहुत मुश्किल है।
आपको पता है हमारे शो पे भी ऐसा ही है, आपको कैमरा कहीं दिखेगा नहीं, पर आप वैसे गिन के बताओ कार्तिक आपको क्या लगता है कितना कैमरा सेटअप हो गया? मुझे कोई कैमरा दिखाई, हां वही तो, बस एक दो तीन चार पांच छह, अब मैं गिनने लगा हूं, धमाका सी गोल नजर आ गई ना, सात आठ गोल वो निगत नजर आ गया, नौ दस, अच्छा वो तो आतंकवादी सर, दस तो ये सामने वाले हैं, दस अच्छा 14 और 16 कैमरा, दस तो मैं गिन लिया, शो भी जल्दी खत्म कर लेते हो आप, हां बस एक्टर टाइम पे आ जाए। बट आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड ब्रो, जब फिल्म की प्रमोशन, फिल्म बनानी तो है ही मुश्किल, लेकिन उसका प्रमोशन करना बहुत मुश्किल जॉब होती है, एक जगह से दूसरी जगह आप जाते हो, तो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। अच्छा मैं एक और बात, मनाल आपका नाम हमने कभी किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं देखा, तो आपका फोकस काम पे ज्यादा है कि आपका सरनेम ठाकुर सुन के लोग डर जाते ठाकुर साहब के लिए? ना डरे यार, भाग जाते हैं लोग, क्या करो, आप ही ढूंढो कोई मेरे लिए अच्छा। मैं किसी को क्यों ढूंढूं? आपने तो अभी अभी बोला था मैं किसी के साथ रोमांस नहीं कर सकता। हाँ पर मैं किसी और को भी नहीं करते हुए देख सकता। कभी ऐसा होता कार्तिक कोई आपको कमेंट आया और आपने देखा छोटी सी प्रोफाइल में इतनी जितनी होती है फोटो, आपको लगा होगा कि मैं जाके देखूं तो सही, और फिर आपने कभी ज़ूम करके देखा है कि अच्छा ये बड़ी हैंड ब्यूटीफुल फैन है मेरी? हाँ हुआ है, बंदा ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट है, ईमानदारी, बंदा ईमानदार है ना। मृणाल मैंने आपकी जिंदगी का एक बड़ा ऐसा पॉइंट पकड़ा है, मैंने देखा आप देखना जैसे धमाका में पूरे टाइम ब्रिज में खड़ी है, तूफान फिल्म में, आदि फिल्म में इनके किरदार की डेथ हो जाती है, सुपर 30 में इनकी शादी हीरो की जगह किसी और के साथ हो जाती है, अधिकतर फिल्मों में आपका प्यार अधूरा रह जाता है, आपको नहीं लगता स्क्रिप्ट पढ़ने से पहले आपको अपनी कुंडली दिखानी चाहिए? सीरियसली मतलब एक्चुअली गुड सजेशन, क्या करो यार, मिलते नहीं लड़के ना रियल लाइफ में ना फिल्मों में, सीरियस प्रॉब्लम, इट्स टाइम फॉर अस टू डू अ फिल्म टुगेदर, या या Why not? Why not? शादीशुदा लड़कों पर डोरे मत मारो। मैंने जस्ट पूछा कि मैं उनके साथ फिल्म करना चाहती हूँ, डोरे नहीं डाल रही हूँ। Dirty mind. Dirty mind. आजकल हम स्पोर्ट्स को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं, करेक्ट, तो हम आपको एक गेम देना चाहते हैं, आपकी और आपकी हीरोइन की केमिस्ट्री देखनी है हमें लाइव शो में, फिल्म में तो बहुत अच्छी होती है, आपको टेबल टेनिस खेल के दिखाना, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है कि टेबल टेनिस आपको बैडमिंटन की तरह खेलना है, टेबल नहीं होगा, ओह प्लीज लेके आइए टेबल टेनिस खेलने वाले रैकेट, दिस इज गोना बी फन। केक लेके आ रहे हो? अच्छा ये अच्छा, ये अच्छा, ये आपके लिए, गॉड कोई रूल्स नहीं है राइट? नहीं, चलिए और पास आ जाओ, अरे इतनी तेज थोड़ी मारना है, इतनी तेज ये लो आराम से, इतनी धीरे थोड़ी मारना है, ढल गया दिल, हाँ एक्चुअली वही वाला पॉइंट है, वो वाला, हाँ थ्रो, चलिए ये लो, अरे अरे ये आप सर्विस करो, हाँ वही आराम से, आराम से, चलिए इसी के साथ मृणाल जीतती है ये ठाकुर जी, अमृता जी नमस्कार, So good to see you. ये क्या है? नहीं यार मैंने सुना यहाँ पे ना धमाका होने वाला है, हाँ, तो इसलिए मैं अपने कुत्ते को साथ लेके आ गया, ये सुन के बताएगा कि धमाका कहाँ होने वाला है। अरे यार इधर कहाँ गया यार, यार ये यार मेरा कुत्ता चोरी हो गया यार, ये गलत है यार, शर्मा में आया और मेरा कुत्ता गायब है, एक मिनट मेरे पास एक और तरीका है, ये सुन के बताएगा, ये है, ये सुन के बताएगा धमाका कहाँ होने वाला, सांप कहाँ सुनता है, मैं उसको मौका तो दीजिए दोस्त, आपने कहाँ से ढूंढा इसे? मैंने नहीं ढूंढा इसे, हाँ
He found me. एक दिन मैं खुले में बैठा था, ये यहाँ से उसने एंट्री की साथ में। Oh my God. परमेश्वरा। जब तक यहाँ पहुंचा मैंने धर दबोच लिया। अभी आपको बताएगा कि धमाका कहाँ होने वाला है। मेरी बात सुनो, ये यहाँ पे कोई धमाका नहीं होने वाला, ये धमाका की प्रमोशन के लिए यहाँ पे आए हैं। असली में नहीं होने वाला धमाका? नहीं, सच में नहीं, बिल्कुल नहीं होने वाला। अरे यार तुम जाओ यार अपने जंगल वंगल जाओ, यहाँ जाना है तुम जाओ। ये लो। अरे मेरी बात है। नहीं नहीं, आपने कार्तिक की मम्मी के ऊपर साफ फेंक दिया। मेरे मम्मी के ऊपर फेंक दिया साफ। मैं मार भी जाऊंगा। उन्हें वो डसता नहीं है, और अगर वो डस देगा आप उसे 20 दे देना कुछ। Can I have a seat? Yeah, please, please. Yeah, thank you. Yeah, please, sir. Thank you very much. Oh, एक बार धमाका की टीम के लिए जोरदार तालियां। Thank you. मैंने ट्रेलर देखा, I loved it. Loved it. मृणाल जी कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। नहीं ये क्या कह दिया आपने? मतलब क्यों? नहीं मैंने ट्रेलर में देखा आप कह रहे हैं कि जब कहूंगी आई लव यू कहूंगी, आई लव यू के सिवा पूछने को। मैंने ये सुनने के लिए तो बात छेड़ी थी। वो तो सिर्फ अर्जुन पाठक जी के लिए। अरे यार ये क्या बात हुई। मुझे एक बात बताइए जी, आपको सेंस ऑफ ह्यूमर वाले लड़के पसंद है? नहीं पसंद है। चलो निकलो यहाँ। अरे यार नहीं पसंद है उनको। बुड्ढे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप वकील साहब? नहीं नहीं मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा हूँ, मेरे एक फूफा है वो पूछ रहे थे कि भाई बता दोगे सेंस ऑफ ह्यूमर वाले। एनीवेज मैं जानना चाहता हूँ आपको कैंडल लाइट डिनर पे जाना पसंद है? नहीं पसंद है। नहीं पसंद है। अरे यार नहीं यार, राजू बुझा दो कैंडल। बुझा के वो कैंडल पे पानी डाल दो, कोई नहीं आ रहा है। और मैंने लगातार 12 घंटे इंतजार किया है जला के कैंडल, कोई नहीं चल रहा मेरे साथ। ये ऐसी घड़ी क्यों बनवाई अपने अपने हाथ में? ये क्या बनवाया अपने अपने हाथ में? असली घड़ी लो ना, चोरी हो सकती है यार। तो ये क्या? तो टेंशन पालना ही नहीं ना, मैंने हाथ से घड़ी बना ली। चोरी का टेंशन ही नहीं है, इसको कौन चुराएगा बताओ, निकाल के दिखा दो मुझे। तो इसमें टाइम कैसे देखते हो आप? अरे यार बाबू आपको शायद पता नहीं है, बंद घड़ी भी दिन में 4 बार सही टाइम बताती है। दो बार बताती है। तो अपने पास घड़ियां भी तो दो है ब्रो। यार ऐसे नहीं यार। चलिए आप इसमें मुंह डालिए, मैं आपको घुमा के लाऊं। चलिए वैसे भी मेरे चलने का टाइम हो गया है। इतनी जल्दी जा रहे हैं आप? मैंने मैं जा नहीं रहा हूँ कहीं। मैंने अपने आप को कमिट किया है कि मैं दिन में 2000 स्टेप्स चलूंगा, इसलिए मेरा थोड़ा सा चलने का टाइम हो गया। आई जस्ट मेक अ वॉक। हां नो माइंड नो नो नो। हम लोग ना फालतू में मुझे मोटा 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 कहते हैं। फालतू में? हां फालतू में। मैंने कल अपना एक्सरे कराया, आई एम अ स्केलेटन फ्रॉम इनसाइड। आई एम अ स्केलेटन, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। अरे एक मिनट यार, ये एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये हो गए, देखो मेरी घड़ी भी बता रही है मेरे 2000 स्टेप्स हो गए। एक अच्छा वर्कआउट हो जाए ना, क्या फ्रेशनेस आ जाती है। ये वर्कआउट था यार। वकील साहब मैं नहीं, क्या यार क्यों फालतू बातें कर रहे हो, उनकी फिल्म की बात करो ना कोई। मैं फिल्म की बातें कर लेता हूँ ब्रदर कार्तिक। yes. आप यार एक फिल्म के 2 टिकट मुझे भिजवा देना। अरे उनकी फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पे आ रही है। अच्छा प्लेटफॉर्म के 2 टिकट भिजवा देना। यार वो प्लेटफॉर्म अलग होता है और वो वाला अलग होता है। यार ये पता है मुझे ब्रो, मैं तो जानबूझ के खाली ह्यूमर के लिए कॉमेडी के लिए प्लेटफॉर्म पे गया था। आप भी कॉमेडी के लिए अपने घर से यहाँ पे आते हैं कि नहीं आते हैं? कार्तिक जी एक बात बताएंगे, आयुष्मान खुराना दैट बॉय वो आपके पड़ोसी तो नहीं है? नहीं ना। नहीं तो मैं दुनिया का आपका सबसे बड़ा फैन हूँ। तो पहले बोल देते ये बात। नहीं ये बात मैंने उनको भी बोली थी ना।
कहीं भाईजान दोनों पड़ोसी हुए, बिल्डिंग में मिले नीचे, कहीं एक दूसरे को बता दिया कि वो मोटा वाला वकील दोनों को सेम बात पेल रहा था, फंस गया मैं। वकील साहब, आप करने क्या आए इधर? मैं इधर वही करने आया हूँ जो वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट में करते हैं। क्या? बैटिंग? नहीं नहीं, बातें। इधर कमेंटेटर ना हो, इधर कमेंटेटर, वो बातें ही करते हैं। तो मैंने देखा फिल्म में आपकी रिपोर्टिंग की वजह से जी आपकी बीवी जो है जी वो गहरे संकट में फंस जाती हैं जी। अब सेम मेरी भी वकालत की वजह से मेरी बीवी फंस गई संकट में। नहीं, संकट में नहीं फंसी, वो मेरे क्लाइंट के साथ फंस गई। क्या बेशर्म वाली बातें कर रहे हो आप? नहीं, ऐसे नहीं कह रहा मैं, वो लिफ्ट में फंस गई, लिफ्ट में फंस गई क्लाइंट के साथ। क्या मेरी बीवी का आकार भी मेरे जैसा ही है ना, वो लिफ्ट में दरवाजे में फंसती रहती है। मैं कह रहा था ये कोई मैं करूं हेल्प आपकी? मैनेज ये ऊपर नहीं आ सकता तो क्या हुआ? हाँ। दूसरा नीचे तो जा सकता है। वकील जी, आर्यन साहब जी सर, मैंने बाहर देखा जो आपने एक ब्यूटीफुल सी आपकी गाड़ी है जी, आपने नई गाड़ी ली, ओ हो हो, उसके लिए आपको बहुत 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 सॉरी। सॉरी नहीं, बधाई देते हैं। नहीं, मैं तो बधाई देता, लेकिन मेरे हाथ से जो स्क्रैच लग गया उस पे ना, उसके लिए नहीं, छोटा सा है। कैसे लगा? नहीं, क्या हुआ, मैं खाना खा रहा था, हाँ। थोड़ी सी दाल आपकी गाड़ी पे गिर गई, मुझे लगा ये गलत है, हाँ। तो मैंने चम्मच से दाल हटाने की कोशिश की तो स्क्रैच लग गया। ऐसा नहीं कि वो स्क्रैच मैंने हटाने की कोशिश नहीं की, और दो चम्मच लगे ऐसे ऐसे किया और स्क्रैच बढ़ गया थोड़ा। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे पास हमेशा नेल पॉलिश रहती है। नेल पॉलिश से कौन से कलर की? आप अपनी गाड़ी जाके देखिए, आप काले रंग की गाड़ी पे एक पिंक कलर का जो खूबसूरत सा ये पैच मैंने बनाया है, इट्स लुकिंग आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, इट्स वेरी नाइस, यू सी इट, यू लव इट। नजर का टीका, अभी डिनर करते तो नहीं जा रहे नजर? नहीं नहीं, अब हो गया मेरा, अब और नहीं खाऊंगा। खैर चलिए, वैसे मेरे जाने का वक्त हो गया है, मुझे अपना सोनी का प्रोमो भी शूट करना है। कहाँ पे? नहीं, यहीं पे करना है। सोनी वालों ने मुझे कहा है कि भाई आपको मृणाल और कार्तिक के साथ एक डांस करना है, तो ही प्रोमो कटेगा। अच्छा, और मेरा प्रोमो में रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, बहुत जरूरी है। वकील साहब, हमारे ड्राई फ्रूट ऐसे पड़े रहते हैं, अपना डोंगा हमें दे दो। आप मुझे बाहर मिलिए। बहुत बहुत शुक्रिया, चलिए मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी आपसे। प्लेजर मीटिंग यू, सेम हियर, बड़ा मजा आया। ओके ओके, मैं ले जाऊँ? या ब्रो, ठीक है ब्रो, चलिए। हमारे शो में ना हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है, पोस्ट का पोस्टमार्टम। तो जैसे आप अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स डालते हैं, वो नीचे बड़े मजेदार कमेंट्स करते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता पढ़ने का, हम वेले बैठे हैं, हम पढ़ते रहते हैं। तो हम आपको कुछ कमेंट्स दिखाना चाहते हैं आपकी फोटोग्राफ्स के ऊपर, प्लीज दिखाइए जरा। ये फोटो है कार्तिक आर्यन जी ने पोस्ट किया है, कार्तिक, अनन्या और वो, तो नीचे कमेंट्स, वो पीछे पापा जी कौन खड़े हैं? एटीट्यूड रहा पापा जी का। पीछे जो लड़की थी वो चली गई है, तुमने ताऊ का हाथ पकड़ा है। ताऊ बी लाइक, बेटा मुझे रास्ता पार करा रहे थे, कहाँ रुक गए? और दिखाइए, सही सही बताना, ये बर्गर कैसे खाया होगा आपने? बर्गर से 25% आपका मुंह है। खाया मैंने, एक्चुअली आई वाज एक्चुअली हैविंग अ ग्लूमी डे, लेकिन वो एक बाइट ले तो सब गिर गया नीचे। हाँ, ऐसे ही होता है ना बर्गर्स खाते हुए। कभी कभी आदमी बर्गर के बीच वाला सामान संभालता रहता है, इधर से करता है और बाकी सारा दिखाइए कमेंट्स।
बेटा अच्छे से खा लो, घर आके मत कहना मम्मी कुछ बना दो। अपना मुंह तो आपने बंद कर रखा है, बर्गर पूरा खुल गया है देखो। बच जाए तो फेंकना मत, एड्रेस भेजता हूँ। मुझे नहीं पता मेरे बर्गर पे इतने लोगों की आंखें। और दिखाइए अमृता सुभाष, ओवरडन बाय द लव, संदेश कुलकर्णी, मॉल इज गेटिंग फॉर। अच्छा हाँ हाँ, एसीपी तावड़े, राइट राइट, मुंबई डायरी में देखा। वाओ, आपके हस्बैंड है, वाओ वाओ, बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। दिखाना इनके नीचे कमेंट्स क्या है। बंदा बाहर कितना भी पुलिस वाला बन ले, घर में बीवी के साथ कथक ही करता है। आगे और दिखाइए। क्या दिमाग है यार इन लोगों के। एक ने पहना है हरा, एक ने पीला, हो रही है गोलियों की रास लीला। हम ट्रक और गाड़ियों के लिए भी शायरियां देते हैं, संपर्क करें डीएम द्वारा। मैडम आप ध्यान दें, उनका निशाना आपकी तरफ है। सावधान रहें, सतर्क रहें और पति की जान पे बनी रहें। करेक्ट करेक्ट। आगे और दिखाइए। हैप्पी वैलेंटाइन्स डे फ्रॉम मी एंड माय डेट सोनू गोगो रज्जो। प्ले करने के बाद हु एल्स वुड गो ऑन अ डेट विद मी। ओके दिखाइए जरा कमेंट्स। बड़ी प्यारी जोड़ी लग रही। कितनी सुंदर है यार। दिखाइए कमेंट्स। वेरी स्किनी वकील साहब का स्केलेटन। आपकी गर्लफ्रेंड ने ज्यादा डाइटिंग नहीं कर ली, इनकी हड्डियां दिख रही हैं। गर्लफ्रेंड के साथ फोटो खिंचवाई है या उसका एक्सरे निकाला है? इस जोड़ी के संग आपको भविष्य बनाना है या भूत बनाना है? अच्छा वर्ड प्ले। और दिखाइए। भूत का भी जन्मदिन बनता है, पता नहीं था। प्यार में दिल देते हैं, लगता है इसने जान दे दी। और मृणाल ठाकुर, लुक एट द स्टार्स, लुक हाउ दे शाइन फॉर यू एंड एवरीथिंग यू डू। या दे वर ऑल येलो। अच्छा कमेंट्स दिखाइए जरा। ओ गॉड, ये हार रही थी तो सामने वाले को फोटो खींचने में लगा दिया। ये अच्छा था। ये होता है कॉन्फिडेंस। खेल कैरम रही है, एटीट्यूड इनका बिलियर्ड वाला है। थैंक यू, एट लीस्ट यू एक्सेप्टेड, सो आई डोंट माइंड दैट। सोच रही है कैरम तो खेलना आता नहीं, उससे अच्छा फोटो शूटिंग करा दो। और दिखाइए। ओह नाइस। Gully Boy got 13 awards at Film Fair. This wow. film has created record of wow. no noise. Awesome. हाँ जी, दिखाइए कमेंट्स। रणवीर सिंह को जवान माँ ही चाहिए, वरना इसकी एनर्जी इतनी है ये गले लग लग के माँ ही तोड़ दे। मुझे लगता है रणवीर ना खुद हैरान है आपको अभी देख के, क्या आप ऐसी दिखती है। पहले माँ माँ बनके रही ना, अब आई अवार्ड लेने जाती हैं आप, असली आओ। रणवीर सिंह बी लाइक, मुझे तुम्हारी साड़ी पसंद है, अगले अवार्ड शो में यही पहनूंगा। क्यों नहीं? And I'm sure he'll, क्यों नहीं यार? हाँ, उसमें क्या है, हमारे शो में अक्सर हमारे बड़े कलाकार पर कभी नहीं पता है। कुछ लोगों को लगा था कि मैंने मेरी बेटी को भेजा है अवार्ड सेरेमनी में। अच्छा। मेरी मेकअप पर्सन ने मुझे बताया, कुछ लोगों को लगा कि आपकी, तो उन्होंने कहा नहीं ये वही है। तो उनको लगा कि मेरी बेटी। बड़ा कॉम्प्लीमेंट। और दिखाइए। कार्तिक आर्यन, मेरे क्या क्या पोस्ट, रॉन्ग कैप्शंस ओनली, दिस इज क्यूट। दिखाइए कमेंट्स। मेहंदी मुंह पे लगा रखी है, हाथों पे लगवाओ। दो बार मुंह धो चुका हूँ, ये रंग साफ ही नहीं हो रहा। फेस मास्क की जगह होली का रंग कौन दे गया? होली का। एक ने लिखा, आप हरे हरे तो दिख ही रहे हो, गाना गाओगे तो हरी हरन हो जाओगे। पर वैसे ये मास्क कौन सा लगाया आपने? मुझे भी नहीं पता, मेरे फ्रेंड ने फेस मास्क दे दिया था। ऑल आई नीड इज अ बोर्डिंग पास एंड एन
एवोकाडो ऑन टोस्ट। अच्छा, खाने पीने वाली चीजें आपको दूर से दिखती हैं। ये कोई गाना नहीं है। मैं स्पेलिंग पढ़ रहा था, क्या लिखे आपने? सीधा फल देखा। हेल्दी चीजें मुझे दूर से दिख जाती है। पर सारी मेरे खाने की फोटोज क्यों है यहाँ? सारी खाने की फोटोग्राफ क्यों की? लेकिन इतनी खाने की फोटोग्राफ्स। यू आर अ फूडी, व्हाट? आई एम अ बिग फूडी। ये बोलने में होता है लड़कियां फूडी। कहां कहां है फूड फिर? आप किसी दिन मिलना मुझे, देखना कौन ज्यादा खाता है। एक उम्र भी होती है जब जहां सब पच जाता है एंड यू स्टिल मेंटेन अ गुड फिगर। अब आप वो नहीं, उस हिसाब से आप तो खा ही नहीं सकती कुछ। आपको कितनी बार कहा ये मत लेके जाया करो, कृष्णा ने यूज करनी होती है वो फिर। ये वापस। अरे अरे वाओ, ऑलमोस्ट ड्रॉप्ड इट। व्हिच काउंटी वुड यू लाइक टू ट्रैवल विद मी एंड व्हाई? चलिए कमेंट्स पढ़ते हैं। काउंटी कैसे हो गया? कंट्री हो गया ना? गलत है। थैंक गॉड मैं भी जाकर, मुझे लगा शायद काउंटी भी बोलते होंगे, मैं इसलिए ज्यादा बोला नहीं क्योंकि मेरा तो अपना हाथ राइट है। आपके साथ तो मैं रतलाम जाने में भी खुश हूँ। आप हाँ तो बोलो। आप हाँ तो बोलो। ऐसे मत देखो आइसक्रीम को, शर्मा के पिघल जाएगी। आए आए, वो ऊपर वाली बस का ड्राइवर कहाँ बैठता है? पीछे जो बैकग्राउंड में बस दिख रही है। हाँ हाँ खींचो फोटो, इतना मत सोचो, बिना फोटो खींचे आजकल हजम कहाँ होता है। ओह गॉड। और ओह नाइस, थैंक गॉड। टेंशन आ गया था मुझे, क्या निकालेंगे। तो फिर एक 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 मजेदार चीजें हो जाए। बड़ा ब्यूटीफुली क्रिएटिव हम लोग आजकल ऐसा बनाते हैं ना, आपको भी सोचने में मजबूर करेंगे। आपको हमने 5 सेकंड का चैलेंज देना है। सेकंड गिनेगा कौन? अर्चना जी गिनेंगी। मैं गिनूंगा। अर्चना जी सेकंड गिनेंगी। चलो आज आपके भी लिए भी काम निकल आया। फिर मारो यार। अर्चना जी आई लव यू, यू नो दैट। हाँ, बस ये बोल के एक हफ्ते के लिए चुप कर देता है मुझे हमेशा। आप फिर बोलता रहता है बक 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 बक, फिर बोलता आई लव यू, फिर मैं चुप हो जाती हूँ। चल कर अपना काम, तू अपना काम कर, चल। इस शो में कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, सीधा बस मेन मुद्दे की बात। इवन शी इज स्कोल्डिंग, शी लुक्स सो एडोरेबल। या और हमें वहां से बहुत एनर्जी मिल रही है, ऐसे मत बोलो कि उनका नो डाउट। आपको क्या लगता है हम इतने सालों से ऐसे बैठे हुए? हमने ऐसे बिठाया हुआ इनको। सुपर सुपर। कभी कभी तो हम लोग जब कॉमेडी सर्कस करते थे ना, तो हमें लगता था कि अर्चना जी के साथ कोई सेलिब्रिटी जज आते थे ना बैठ के फिल्म प्रमोशन करने, तो वो तो कभी हमें लगता था ना कि ये बंदा हंसता नहीं है, तो उनको हम अर्चना जी की कुर्सी थोड़ा दूर बिठा देते थे, इनका सिंगल क्लोजअप लो आप, उनको इग्नोर करो। फिर जब उनको 2-3 बार पता ना हमारे शॉर्ट इन लगते, तब उन्होंने को समझ में आया कि हंसना है शो में जाके। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। मतलब आपने गुगली दे दिया हमें, गुगली। अब मेरी मम्मी को हिंदी इतनी समझ नहीं आती, लेकिन आप मुंह देखो 24 घंटे लाफ्टर। क्लोजअप लगना है। पर कई बार ऐसा भी हुआ कि कई बहुत खुल के हंसने वाले भी शो से बाहर हो गए हैं। He's talking about Sikko. ओके, तो हम अपने सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल। कार्तिक, मैं आपसे वन बाय वन आप सबसे पूछूंगा। हाँ। अपने 5 सेकंड के अंदर अंदर जवाब देना है। हाँ। रात को सोने से पहले 3 चीजें क्या करते हो? कोई शो देखता हूँ, इंस्टाग्राम चेक करता हूँ, अपने कैप्शन के नीचे देखता हूँ कि किसने क्या क्या कमेंट किया है। कभी कभी कपिल शर्मा शो भी देखता हूँ। जवाब। 3 एक्सरसाइज के नाम, ये तो बड़ा इजी। ये मेरा ही है। हाँ। प्लैंक, एब क्रंच, चेस्ट। हाँ काफी है। 4 सेकंड चलते हैं। 3 चीजें जो सिग्नल पे की जा सकती हैं। नाच सकता हूँ, गाड़ी चला सकता हूँ। सिग्नल पे गाड़ी नहीं चला सकते आप। हाँ खड़े हैं आप। 5 हो गया। 5 5 5 अरे यार ये तो मजा ही नहीं आया। 3 चीजें जो अंधेरे में की जा सकती हैं। अंधेरे में फोन पे बात की जा सकती है, अपना बादाम खाया जा सकता है, और जो सब सोच रहे हैं कुछ।
इसी के साथ आपका ये खत्म समाप्त होता है। कितने सवालों के सही जवाब दिए टाइम के अंदर रचना जी? बस एक छोड़ के ना, मेरा मेरा एक सेकंड ऐसा था, एक then I have to wait for him to speak, then I have to do two, तो चीटिंग मैं कर रही हूँ। अंदर हो गया करप्शन, करप्शन ही जड़ है इसकी। प्यार भी कोई चीज होती है, प्यार की बात नहीं, प्यार होती है चीज, लेकिन आपके केस में करप्शन पैसे, पैसे लाए ना आपने। मृणाल आपके लिए सवाल है, मेरे लिए 10 सेकंड्स प्लीज। तीन चीजें जो आप सब्जी खरीदते समय, सब्जी तो खरीद लेती हैं लेकिन साथ में फ्री में मांगती हैं, धनिया, हाँ, मिर्ची, हाँ, और नींबू तो देते नहीं, तो अदरक, अदरक भी नहीं देते हैं, अदरक भी नहीं देंगे, कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता। वाह मृणाल, इतनी नॉलेज आपको कैसे है? आप खरीदते हो कभी सब्जियां? हमेशा। अच्छा, मुझे, हाँ मुझे अच्छा लगता है। यूरिन बनने के बाद भी सब्जियां खरीदने का टाइम लग जाता है? फिल्मों के बीच में जो टाइम मिलता है उसमें। अब सब्जियां खरीदती हूँ। मैं सिर्फ सब्जियां खरीदती हूँ, बनाती नहीं हूँ, खाना आता है बस। तीन चीजें जो आप अपने फ्यूचर बॉयफ्रेंड या हस्बैंड में चाहती हैं कि ऐसी हों। सिर्फ तीन? हाँ तीन। गुड लुकिंग हो, लॉयल हो, और क्या, कार्तिक आर्यन हो। तीसरा सुनने के लिए देखा। एक्चुअली मुझे कियानु ज्यादा पसंद है, I'm sorry कार्ते। कियानु रीव्स तक पहुंच गया। कियानु रीव्स हो, चलेगा। बारगाँव का है। बारगाँव। बता दो यार, मेरी नॉलेज तो ऐसे ही बढ़ेगी। क्या नाम लिया आपने? वो बंदूकों से खेलते हैं। जॉन विक। जॉन विक। जॉन विक। मैट्रिक्स। कौन है? मैट्रिक्स वाला। अच्छा मैट्रिक्स वाला। मैट्रिक्स वाला? हाँ अपना ऐसे ही याद रखते हैं। ओके जी। तीन सेंस ऑर्गन्स के नाम। ओहो सेंस ऑर्गन्स। बाल। ये बाल। सेंस ऑर्गन्स। हाँ जैसे नाक। नाक। टंग। सेंस क्या होते हैं और ऑर्गन्स? नोज, टंग एंड सेंस, राइट? स्किन। एक्चुअली। या या। आपके पास आ रहे हैं अमृता जी अब। जी। जूतों के अलावा पैरों में पहनने वाली कोई तीन चीजें। चुमचुम। चुमचुम क्या होता है? पाजेब। अच्छा पायल। पायल। पाजेब। पाजेब। सॉरी मराठी वर्ड था। पांच सेकेंड। चलो बड़ा अच्छा है। चुमचुम बोलते हैं। जोड़वो। टोरिंग। टोरिंग। अच्छा ओके। या फिर नेल कटर। एंकलेट। एंकलेट। नेल पेंट। नेल पेंट। हाँ एक्चुअली नाइस। 13 सेकेंड। स्ट्रीट फूड्स के नाम। स्ट्रीट फूड। पानी पूरी। हाँ। भेल। हाँ। और ये यार, ये आलू की टिक्की। आलू की टिक्की। हाँ। फटाफट। ये। ये। टिक्की के ढेर पे चलेगी। मुझे तो डर है कहीं आप आईपीएस ना बन जाएं, इतनी जल्दी जल्दी इतनी फास्ट फास्ट जवाब दे रही हैं आप। होठों के तीन इस्तेमाल। लिपस्टिक लगाना, बोलना, बोलना और म कहना, म कहना, सॉरी म कहना, हंसना, हंसना, स्माइल करना, स्माइल स्माइल करना, स्माइल करना, एक्चुअली ऑफ कोर्स गुड वन। अर्चना जी अब आप की बारी है। मेरी? अब आते हैं आप पे। बोलो। मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन जो अभी सबके टाइम गिन रही थी, आपका टाइम हम गिनेंगे। तीन चीजें जो ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। पोहा, इडली, सांबर एंड डोसा। वाओ। चार बताइए। तीन सेकंड में। सांबर वो इडली के साथ ही खा जाती ना, उसको अलग गिनती नहीं है। तीन चीजें जो आप लंच में खा सकते हैं। पराठा, कढ़ी चावल, राजमा चावल। तीन चीजें जो डिनर में खा सकते हैं। तेरा सर। और बताओ ना यार ये क्या बात है। पास्ता, पिज्जा एंड डिनर पे। हाँ पास्ता, पिज्जा एंड बर्गर। बर्गर, आइसक्रीम, आइसक्रीम। सारा ध्यान इनका खाने पे। फिर बोलती मुझे पता था ये सारे सवाल खाने पर हैं, फिर मैं जवाब दूंगी और ये पंच मारेगा तू। बट बहुत जल्दी दिया। हाँ तो मतलब उसने मुझे, अरे ये तुमने खाने वाली चीजें पूछी, आप पीने वाली बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वाह माशाल्लाह क्या बात है, क्या डांस किया। हाँ।
एक दिन आप लोग देखना इंडियन आइडल में जाएंगे. तो इंडियन आइडल में डांस कहाँ होता है? तो इनसे भी डांस कहाँ होता है? बहुत अच्छा, माशाल्लाह, क्या बात. थैंक यू वेरी मच. बहुत अच्छा. सलाम सलाम, कैसे है आप? एक मिनट कपिल, मैं अपना मेरा कैमल लाया हूँ मैं साथ में, उसको पार कर दू उधर, इफ यू डोंट माइंड. एक मिनट, कहाँ है कैमल? दो मिनट. अरे अरे, अच्छा, उतर रहे हैं. ले ले, खबर छोटा सा, माशाल्लाह. आप हैं कौन? Myself, Altaf Protein Shake. Grandson of Milkshake, my father Badam Shake, and my sister Avocado Shake. ये मेरा एक फैमिली है. ये कैसी फैमिली हुई? ये हेल्दी फैमिली है. क्या बात है. और मालूम है कार्तिक, हमारा फैमिली में ये भी है, मेरा कैमल, कैरमल शेक. बहुत अच्छे खबाई लिखा है. बहुत लंबा कैमल. बहुत अच्छा है. ये बॉलीवुड का बहुत बड़ा फैन है. अच्छा. हाँ, बहुत गाना सुनता है ये. वो लिरिक्स राइटर है ना, उसका बहुत बड़ा फैन है. किसका? इरशाद कैमल. उनका इरशाद कामिल उनका नाम है. बहुत बड़े राइटर है. उसके लिए तो कैमल है ना, साफ साफ कैमल. माशाल्लाह लड़का, क्या बात है कार्तिक, फैंटास्टिक काम कर रहा है. प्यार का पंचनामा के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए. माशाल्लाह, क्या बात. क्या सीरीज किया? प्यार का पंचनामा 1 2 3 4 5. 3 4 5 कहाँ आया? तो इस पे ताली भी कहाँ आया? आप यहाँ करने के आए हैं आप? मैं एक्चुअली, हमारा तेल का कुआं है बहुत दुबई में. अच्छा. वो मैं इधर बेचने के लिए आया है. क्यों? वो डॉक्टर ने हमको बोला ऑयली चीज से थोड़ा दूर रहो. हाँ, और मैं वो स्वीट भी ज्यादा नहीं खाता है. शुगर भी है? नहीं, हमको खजूर है. जैसा आप लोग का इधर शुगर होता है ना, उधर दुबई में सबको काजूर होता है. खैर, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इधर एक नाराजगी लेकर आया. ये मुंबई में खास करके जब लोग नाराज होता है ना, तो बोलता नहीं है वो किधर गया वो तेल लेने के. ये क्या बात हुई? दुबई में हम एक्चुअली तेल लेने जाते हैं. हाँ, हमारा पूछो, हमारा बाप किधर है? तेल लेने गया. हमारा माँ किधर है? तेल लेने गया. हमारा बहन किधर है? तेल लेने गया. हमारा दादी किधर है? वो भी तेल लेने गई. नहीं, वो बेसन लेने गया ना. अब सब लोग तेल लेने के लिए जाएगा तो पकौड़े के लिए बेसन किधर से आएगा? खैर मुरनाल, कैसे आप? बहुत खूबसूरत लड़की, बहुत अच्छा. क्या बात. शुक्रिया. मैं आपको एक बात बताऊं, आप बिलीव ही नहीं करोगे. क्या बात? क्यों बताऊं? जब बिलीव ही नहीं करेगा तो क्यों बताऊं? नहीं, बता देता. अभी मैं आ रहा था इधर फ्लाइट से. मालूम कार्तिक, मैं ऐसा फ्लाइट से उतरा, उधर वो लाइन रहता है ना, मैं उधर कर रहा था ऐसे, आगे जा रहा था. वो बोलता है पीछे रहो, तुम कतार में हो. मैं बोला मैं हिंदुस्तान का टिकट लिया, कतार किधर से आ गया? क्या बात हुआ? ये तो बड़ा पुराना जोक सुना दिया आपने. हाँ, तो कोई बात नहीं, हम जिधर भी ये जोक मारता है लोग बहुत हंसता है. और जब लोग हंसता नहीं है तो फिर हम लोगों को मारता है. हंसो हंसो. सुनो, आप ये लाइट के पास ना जाएं आप. क्यों? ये आपका ट्रांसपेरेंट है सारा. मैं सही बोल रहा हूँ. हमने कुछ नहीं देखा. हमने दिख रहा था, दिख रहा. मैं ट्रिपल पेन कराया हूँ, मालूम है? एक दो तीन, बहुत सारा पेन हुआ. खैर बहुत अच्छी, क्या बात है. अमृता जी, क्या आर्टिस्ट है, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए. थैंक यू. बहुत अच्छा, माशाल्लाह. क्या काम करते हैं आप? खैर माशाल्लाह, मैं वो पिक्चर में आपको देखा, वो आप रणवीर सिंह का माँ का रोल किए थे ना. हाँ. क्या बात है. गली बॉय. देखो, गली बॉय में इन्होंने रणवीर सिंह को आशीर्वाद दिया. उसने कितना अच्छा गाना गाया. आप कभी अन्नू मलिक का माँ क्यों नहीं बनते? नहीं, मेरा मतलब मैं वो एक अब कवर नहीं होगा. हाँ, यही टाइटल है. यही टाइटल है पिक्चर का, अब कवर नहीं होगा. मृणाल, क्या बात, माशाल्लाह. बहुत आपका पिक्चर देखा मैं. वो पिक्चर मेरे को बहुत अच्छा लगा. वो
हाँ हाँ वो उसमें इंटरवल भी था। अरे इंटरवल तो सब फिल्मों में होता है। नहीं नहीं ये OTT का पिक्चर है, इसमें किधर इंटरवल है, नहीं है ना। कार्तिक आपका भी पिक्चर मेरे को बहुत अच्छा लगा बाबा, वो वाला उसमें भी इंटरवल था। इंटरवल से फिल्में कौन याद रखता है? अरे तो ऐसा ऐसा फिल्मों का नाम कौन रखता है? सोनू के टंकी की टूटी हुई टूटी है क्या है ना? अरे ये थोड़ी ना था। हाँ तो सोनू के टूटू के बोल 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 सोनू के उसी की स्वीटी। जब तुमसे नहीं इससे नहीं बोला जा रहा है तो मैं किधर से बोलेगा दुबई से। कह रहे जो आपका पिक्चर था सोनू का वो जो भी ट्विटी था, हाँ ट्विटी, उसके ऊपर हम एक सीक्वल पिक्चर अभी बना रहे हैं। शेख के ऊंट की ऊंटनी। क्या ऊंट पटांग बातें कर रहे हो आप? अरे तो ऊंट का पिक्चर है तो ऊंट पटांग बात ही होगा, मोर पटांग बात थोड़ी होगा यार, क्या बात कर। ओ माशाल्लाह क्या बात है, इधर बात कर कर के इतना थकावट हो। तुम इधर जेब किधर बनाया रे इसका? इधर नीचे। इधर कौन जेब बनाता है? इधर रहता है जेब बहुत नीचे। कौन है इसको देखेगा बाद में? रुक जेब भी ढूंढता रहता हूँ मैं आधा घंटे। माशाल्लाह हमारा खाना खाने का टाइम हो गया। ये क्या कर रहे हैं आप घड़ी पे? हम टाइम पे खाना खाते हैं। ये बकवास लगा आपको? इससे भी बकवास दिखाऊं? मैं जिधर भी आता जाता है टाइम पे आता जाता है, देखो। बहुत अच्छा केर, बहुत अच्छा आप लोग, बहुत अच्छा काम करते हैं। आपका प्रोमो देखा बहुत अच्छा लगा हमको, भगवान करे आपका पिक्चर सुपर ये एक मिनट ये खत हो जाएगा वापस से लो। माशाल्लाह आप लोगों का पिक्चर बहुत कमाल का है, ऊपर वाला चाहेगा आपका पिक्चर सुपर दुपर हिट होगा। थैंक यू थैंक यू। लेकिन लेकिन कार्तिक आप चाहता है कि धमाका बम्पर हिट हो, आप एक काम करो हमारा ऊंट को खाना खिलाओ। हाँ आप हमारा ऊंट को केला खिलाओ, देखो पिक्चर कितना बड़ा हिट होगा। केला खिलाओ? हाँ ये लो आओ। कैसे आ जाओ, ये बैठा है इधर, साथ में खिलाएंगे। एक खिलाओ, ट्राई करो। अरे यार, अरे एक मिनट, चीलो तो सही, वो ऊंट है बंदर तो नहीं है, वैसे नहीं कहा। हाँ खिलाओ। अरे गाय चल, आ जा मेरा बेटा, आ जा आ जा, खाल। किधर किधर, वो तो खड़ा हो गया। अभी मुझे बताओ इतना बड़ा स्टार आएगा तो वो इज्जत में खड़ा तो होगा ना? इज्जत दे रहे हो उसको, खेलो खा ले बेटा आज। अरे क्या कर रहे हो, मुंह उसका उधर है, घूम गया वो। इधर है ये, इधर इधर। हाँ ये ले, पूरा खा ले एक साथ खा। वाह वाह, खा लिया खा लिया खा लिया। माइंड अभी अभी हम काम करेगा, अभी दोनों उस पर बैठ के जाएगा। हम दोनों? हाँ ठीक है, हम दोनों बैठेंगे। ये बैठ गए हम लोग, मैं भी बैठ गया। हाँ आ जाओ बजा रहे, बैठ गए। माशाल्लाह बहुत अच्छा, सुपर कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छा। अमृता, मैंने एक और किस्सा सुना आपके बारे में कि एक प्रोड्यूसर ने आपको बोला कि फिल्म का बजट बहुत कम है, ज्यादा रीटेक नहीं ले सकते, अगले चार मिनट में मर जाओ आप। हमारी बहुत बड़ी टीम है, रिसर्च कर रही है, रिसर्च टीम है, रिसर्च टीम के लिए मैं तालियां बजाना चाहती हूँ। वो एक बेचारे थे वो प्रोड्यूसर, और तब ना फिल्म पे शूट होता था, मतलब डिजिटल नहीं, रील वाला कैमरा। तो मतलब ऐसे होता था कि एक उस रील की बहुत कीमत होती थी ना, हजारों रुपए उसमें जाते थे, रीटेक्स नहीं लेते थे हम लोग। राइट। तो उनके पास पैसे नहीं थे, लास्ट रील बचा हुआ है और मेरे मरने का सीन है जिसपे फिल्म एंड होने वाली है। तो उन्होंने मुझे कहा था इतने मिनट में मरना है। तो मैंने कहा मुझे कैसे पता चलेगा? तो मेरे को एक्टर ने मुझे बताया, मैं तुम्हें आंखों में बता दूंगा, जैसे ही एंड आता जाएगा ना उस सीन का, मैं बता दूंगा, तुम मर जाना बस। और इमोशन भी देना है और मरना भी है, मतलब। तो मैं उसकी आंखों में देखती रही, तो जैसे जैसे उसकी आंखों में टेंशन आने लगा, मैंने कहा अब मरने का टाइम आ गया है, तुम मर जाओ।
मैंने इसलिए पूछी आपसे बात क्योंकि मुझे लगा शायद अफवाह तो नहीं होती कि ऐसा हमने आपके बारे में सुना था, पर सच्ची में होता है ऐसा। तो असल में भी अफवाहें हमारे पास कुछ है। कार्तिक आपके बारे में ये अफवाह है कि एक कार आपने एयरलिफ्ट करवाई थी, वो आपको इतनी महंगी पड़ी कि आपने उतरवाई नहीं। ये बात कितनी सच्ची और कितनी झूठी है? ये बात सच्ची है कि मैंने एयरलिफ्ट करवाई थी, लेकिन वो हवा में ही नहीं है, उतरवाई मैंने उसको। अच्छा, उतरवाई। वो कहाँ से आई वो कार? बाहर से आई, इटली से। अच्छा, जिस पे उन्होंने पिंक पैच बना दिया अभी वकील साहब ने, वो इटली की गाड़ी है जिस पे खिचड़ी खा ली। अमृता आपके बारे में ये अफवाह कि सेक्रेट गेम्स 2 में एक जो किरदार लिखा गया वो पहले किसी और आर्टिस्ट को मिलने वाला था, फिर आपने राइटर को पकड़ के यहाँ से उसका पित्ता मरोड़ा और उन्होंने कहा कि ये रोल आप भी कर सकती हैं। ये सब कुछ नहीं किया जो आपने, ये सब चीज़ है, वो सब कुछ नहीं है, लेकिन वो जो किरदार था कुसुम देवी यादव, वो पहले एक मेल कैरेक्टर था। अच्छा, मर्द के लिए लिखा गया था वो। अच्छा, लेकिन फिर वो उसकी औरत हो गई तो मैं वहाँ पे आ गई। ओके, सारी अफवाहें देखो हमारी गलत नहीं होती। मृणाल आपके बारे में ये अफवाह कि आप ऑडिशन में एक बार इतनी बार भूली कि लव सोनिया, हाँ उसमें आपने 89 टाइम्स ऑडिशन दिया, तो हमें इस अफवाह से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो ये जानना है कि 89 को हिंदी में क्या कहते हैं। हमको मतलब गाइस हेल्प यार, 79 होता है, 79 है, नवासी तो पोते पोते को नहीं बोलते कि नानी जैसी होती है तो नवासी। अच्छा, पर ये गलत है यार, 89 टाइम्स मैंने कोई मैं भूली नहीं हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अमृता आपके बारे में ये अफवाह कि आपके पड़ोसी जो हैं वो चीफ मिनिस्टर है, तो अफवाह ये कि जब आप सब्जी लेने जाती है तो उनकी सिक्योरिटी को बोल के जाते हैं भैया घर खुला है ध्यान रखना। क्या बात है। हाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे, मतलब नजदीक रहती हूँ, मेरे पड़ोसी नहीं है, लेकिन वो यार यार मतलब आपकी रिसर्च इतनी अच्छी है कि मेरा पता भी आपको पता है मैं कहाँ रहती हूँ। बहुत रिसर्च टीम बोला ना इनकी, बहुत लंबी टीम है एक इंसान की। कार्तिक आपको कहते हैं गॉसिप इतनी पसंद है कि आप जहां भी बैठते हो चार लड़कियां देख के बैठते हो। हाँ, वी आर गॉसिप गर्ल्स या ब्रो, वी एंजॉय दैट। ओके, मृणाल आपके बारे में ये फाया कि आपने फिल्म सुल्तान इसलिए नहीं की क्योंकि उसमें आपको 100 बार मुदगर घुमाना था। ओह गॉड। अच्छा, ये मेरे को पता नहीं था पहले आप सुल्तान करने वाली थी। अच्छा, कौन अफवाह फैला रहा है? नहीं, गलत है, गलत है, ये अफवाह गलत है। ओके, तो इसी के साथ हमारी अफवाहें समाप्त होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे कुछ आपके फैंस हैं यहाँ पे जो आपसे बात करेंगे। जी मैडम। हाय कपिल, हाय अर्चना मैम, हाय एवरीवन, माई सेल्फ कृषा। आप तीनों को आपकी फिल्म के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। कार्तिक आप बहुत क्यूट और हैंडसम हो, आप सभी लड़कियों के क्रश हो। प्यार का पंचनामा में आपने एक मोनोलॉग स्टाइल बोला है लंबा सा, तो मेरी ख्वाहिश है कि आप एक मुझे देख के मतलब मेरी तारीफ करते हुए एक मोनोलॉग मेरे लिए भी बोल दीजिए ना प्लीज। जी पहले तो मैं शुक्रिया कहूंगा, थैंक यू सो मच, और मोनोलॉग नहीं मैं आपको बस बोलूंगा आई ऑल्सो लव यू टू। सो स्वीट। नहीं मैं आपको हग कर लूँ वहाँ पे आके। अब गई हूँ। आ जाइए, चलिए, चलिए, थैंक यू, थैंक यू, चलो ठीक, थैंक यू। कितना स्माइल, थैंक यू। कृषा, कृषा का मतलब क्या होता है? पता नहीं। ये आपको जानते हैं जो आपको वीडियो बनाई जा रहे हैं आपकी? बिना पूछे आपकी वीडियो कैसे बना सकते हैं? पूछिए इनसे। थैंक यू कृषा। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी। हेलो कार्तिक सर, हेलो मैम, हेलो 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 हेलो। ठीक सर, मेरा नाम स्वप्निल वत्स है, मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर से आया हूँ। अच्छा, सोच के क्यों बताया इतना आपने? सर वो थोड़ी आपके सामने नर्वसनेस हो रही है सर। आपको अब तक देख रहा हूँ। तो सर मैं अमृता मैम से कुछ कहना चाहता हूँ। जी कहिए। हम लोगों ने धमाका मूवी के ट्रेलर में देखा कि ये पूरे न्यूज रूम को कंट्रोल कर रही हैं। जी मतलब ये
किसी भी न्यूज़ को फैला के आई थिंक कि उसका सॉल्यूशन निकाल सकती हैं। तो सर मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है कि मेरी शादी नहीं हो पा रही है एंड मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा मैम से कि अगर ये मेरा नाम लेके ये न्यूज़ थोड़ी फैला दे तो हो सकता है मेरे पास भी अच्छे रिश्ते आने लगे और मेरे भी हाथ पीले हो जाएं। कितने साल के हैं आप? मैम नाउ आई एम 24 प्लस। मतलब ये कोई उम्र है शादी करने की? नहीं, जैसा आपने देखा होगा, मैं नहीं खुद बोलती, मैं तो इसको बुलवाती हूँ ना, ये बुलवाती मैं पर्दे के पीछे रहती हूँ, तो अगर बोलना है तो आप इससे अगर बुलवाएंगी ना बात तो ये बहुत सक्सेसफुल हो सकता। काम क्या करते हैं आप? अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो फिर शादी क्यों कर रहे हो फिर, अगर जॉब भी नहीं कर रहे हो? कुछ काम करो नहीं तो तंग करोगे लड़की को। जॉब तो मैम मिल जाएगी अगर, तो फिर जॉब मिल जाएगी तो लड़की भी मिल जाएगी, डोंट वरी। कार्तिक आर्यन थोड़ी किसी भी एज में मिल जाएगी। स्वप्निल वत्स की प्लीज शादी करवा दीजिए। स्वप्निल और वत्स से कोई शादी करिए। हाँ, इनके हाथ और पैर दोनों पीले करवा दीजिए। बहुत मचल रहे हैं अंदर से। जल्दी से शादी करो प्लीज। आपके पीछे दास दादा बैठे हुए ना, ये देखो ये दास दादा, इसको बताओ क्या करे इसका, शादी दास दादा ने कर ली थी टाइम पे। दास दादा जो आपकी वाइफ है, दास दादी आई मीन, आपने कितनी उम्र में शादी की थी दास दादा? मैंने 32 एज में। अरे 32 एज में। ओके 32 मृणाल जी, गेस दास दादा एज। 38-39 जेनुइन 40-50 सीधा 15 साल बड़ा प्लस। कितने दास दादा? 52 अब ये नवंबर में 70 चालू होगा। गॉड ब्लेस दादा। दास दादा कितने फिट हैं? अरे 15 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ इनको। मैं मेरी डॉटर 35 एज की है। तो दास दादा आपको इतने साल हो गए हैं शादी किए हुए, इनको क्या टिप्स देना चाहोगे जो आगे खड़े हैं? शादी बड़ी तेज आई इसको शादी, इनको अभी बहुत कुछ करना है, उसके बाद में शादी करना है। अभी कुछ नहीं किया है देखा, अभी जल्दी शादी कर लेते हैं फिर ऐसे ही वो आके बैठे रहते हैं शूटिंग में। यार ये पीछे लड़कियां कहाँ से आए आप सारा ग्रुप? जयपुर से। ओह जयपुर से, कपिल के दीवाने। कपिल के दीवाने जयपुर। जयपुर से आए कपिल के दीवाने। कपिल के दीवाने। सो स्वीट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। मेरे भी फैन है दुनिया में। अरे अरे आपके दीवाने। नमस्कार जी। हेलो कपिल जी, आई लव यू। थैंक यू लव यू टू। थैंक यू। फ्रेंड्स हैं आप सब? जी हम कजन्स हैं। कजन्स हैं आप? जी हाँ। तो आपके हस्बैंड लोग नहीं आए? हस्बैंड बच्चे सब घर पे छोड़ के आए। हाँ देख लिया। हाँ तो आप जयपुर से मतलब घूमने आए मुंबई? जी नहीं, आपके मिलने आए। अरे थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हो जाए कार्तिक आर्यन, मृणाल ठाकुर और अमृता सुभाष जी के लिए। आइए प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बड़ा मजा आया आज, आज शाम का। सो बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी। थैंक यू इस फिल्म के लिए तो है ही, आगे आने वाली तमाम फिल्मों के लिए, और आप ऐसे ही खूब तरक्की करते रहे। थैंक यू, हमारे देश का नाम रोशन करते रहे। लव यू। हम तो फिल्में करते ही हैं कि कपिल शर्मा शो पे आ पाए सर। लव यू। बच्चे बूढ़े जवान सब पहचान जाते हैं शो में आने के बाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों त्योहारों का मौसम है, इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि बाजारों में भीड़ करने से बचें, मास्क लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।